Watching you was such a thrill. All that I could do was laugh. I couldn't hold it back. I couldn't hold it. I couldn't hold it back. Assalamu alaikum, Grip on Trip का नया एपिसोड. और आज मैं जा रहा हूँ जी चुंदा वैली जा रहा हूँ. लेकिन चुंदा वैली से पहले एक दो काम करने हैं. पहले मुझे एयरपोर्ट जाना है. अब्दुलरहमान आज आ रहा है इस्लामाबाद से, उसकी फ़्लाइट है और पहले उसको पिक करेंगे. और चुंदा वैली रिसेंटली 2-3 सालों में बड़ा इन हुआ ये, और मैं पहली दफ़ा यहाँ पे जा रहा हूँ. मैंने इसकी काफ़ी तस्वीरें देखी हैं. और ये है स्कर्दू एयरपोर्ट रोड की तरफ ही है, इसका रास्ता उधर से निकलता है. तो मैंने आज का प्लान रखा है कि वहाँ से उसको अब्दुलरहमान को पिक करेंगे और वहीं से फिर हम आगे निकल जाएंगे चुंदा वैली की तरफ. तो इसका रास्ता देखते हैं. कहते हैं कि 4x4 का ट्रैक है और तकरीबन शहर से 1-1.25 घंटा लगता है जाने में. तो चल के सड़क देखते हैं, व्यू देखते हैं, वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या रिसोर्स सहूलियत वहाँ पे मौजूद हैं. वैसे अब ये जो स्कर्दू शहर से एयरपोर्ट तक की जो सड़क है वो भी बना दी गई है. मैं जब लास्ट ऑटम में यहाँ पे आया था तो सड़क थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन अब ये सड़क बना दी गई है और एयरपोर्ट का एक्सेस बिल्कुल 15 मिनट का रह गया है शहर से. चेक करते हैं चल के चुंदा वैली का सिलसिला, मेरे साथ रहिएगा. स्कर्दू सीरीज़ का आज मैं 5वां वीलॉग अपलोड कर रहा हूँ. वैसे आज का सफ़र इस ट्रिप का पहला दिन था. आज मैंने यूके फैमिली को एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया था और आज ही की फ़्लाइट से अब्दुलरहमान को पिक करना है. वो इस्लामाबाद से स्कर्दू पहुँच रहा है. स्कर्दू एयरपोर्ट से जब आप स्कर्दू शहर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में गंबा बाज़ार आता है. यहाँ से आप CMH हॉस्पिटल की तरफ सीधे हाथ टर्न लेंगे. थोड़ी दूर जाकर ही आपको चुंदा वैली का ये बोर्ड नज़र आ जाएगा. ये रास्ता भी बिलामिक वैली की तरह ही लग रहा है. इस पूरे रीजन में सेफ्टी फेंस का कोई वजूद नहीं और वैली साइड है भी काफ़ी गहरी. रास्ता काफ़ी खुश्क है और सड़क पर मिट्टी भी उड़ रही है, लेकिन वैली साइड का नज़ारा खूबसूरत होता जा रहा है. चुंदा से हमने टर्न ले लिया है और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है. शाकिर भाई हमारे साथ हैं और बिल्कुल ही ऑफ रोड है ये और 4x4 का ट्रैक है. आप अपनी गाड़ी पे आने वाला सीन नहीं है. और ये देखें रास्ता है भी काफ़ी स्टीप है और साथ हमारे कोई फेंस भी नहीं लगी हुई. चुंदा वैली 4 किलोमीटर बाद शुरू हो जाती है, लेकिन हम लोग प्लेन्स की तरफ जाना चाह रहे हैं जहां जाने में तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे. एक गांव गुजरने के बाद चढ़ाई ख़त्म हो गई है और अब शाकिर भाई लोगों से पूछ पूछ कर प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं हमेशा की तरह. अभी हम लोग तकरीबन चुंदा जो गांव है वो आ गया है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं. यहाँ पे व्यू बहुत ही खूबसूरत था तो मैंने गाड़ी रोक ली है, देखें. वैसे चुंदा को लोग अक्सर चूना भी कहते हैं कि चूना वैली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. लेकिन मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लग रही. अब्दुलरहमान साहब से भी पूछ लेते हैं. अभी तक का जो व्यू है माशाल्लाह ये तो बहुत खूबसूरत है. ये डायरेक्ट रात से जागे हुए हैं और अभी पहुँचे हैं जी. की रिपोर्ट है पाएँ? एंथुसियाज्म हमारा हाई है और सोचा यही था हमने कि आते साथ ही कोई रेस्ट नहीं करना और फ़ौरन निकल जाना है. सो वी आर ऑन द वे. आधे रास्ते पे हमने खुद गाड़ी रोकी है क्योंकि व्यू साइड के बहुत सैनिक और अच्छे हैं. सो मज़ा आने लग गया अभी से. Thank you.
जी जब हमने टर्न लिया था जहाँ पे चुंदा 4 किलोमीटर लिखा हुआ था, वहाँ से तो मेरा ख्याल है हम 5-6 किलोमीटर आगे आ गए। जो चुंदा का विलेज है जहाँ पे वो मेन व्यू आ रहा था वो था, लेकिन आगे एक कैंटीन है और आगे से कहते हैं कि ज़्यादा आपको वैली व्यू मिलता है, तो गाड़ी यहीं तक आ सकी है। ठीक है, और अभी हम ट्रैक करने लगे हैं, शाकिर भाई ने 3-4 मिनट कहे हैं लेकिन इंशाल्लाह निकलेगा घंटा ही। तो अब्दुलमान साहब कायम हो तुसी? हाँ हाँ, चलो इंशाल्लाह फिर अभी पानी की बोतल पकड़ते हैं और थोड़ा थोड़ा अभी पैदल चलेंगे, चलते हैं। ये पगडंडी भी बनी हुई है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, माशाल्लाह वैली व्यू ओपन हुआ है तो ये अच्छा लगा है। हम लोग वॉक करके आगे आए हैं, आगे दरख्तों की एक सिमेट्री है, उसके शेडोज लाइट के बड़े अच्छे लग रहे हैं, वहाँ पे चल के थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। और ये मैदान यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है और राइट साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वैली है और व्यू ओपन होता है यहाँ पर। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोकल आए हुए थे, क्योंकि चुंदा वैली आप सुनते हैं स्कर्दू टूर में बहुत कम लोग जाते हैं, हालाँकि इसका एक्सेस थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये कि है सिर्फ 40-45 मिनट का, तो वो ठीक है, चल जाता है। मेन रोड से शहर से आपको तकरीबन 1 घंटा लगता है यहाँ पे आने में, और ट्रैकिंग है कोई नहीं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। इस वक्त हम सिर्फ बैठे हैं खामोशी से, आपको शायद ये आवाज़ आ रही हो पानी के गिरने की, जो जिस चश्मे के हम पास बैठे हुए थे ये वो पीछे से आ रहा है, इसके पानी गिरने का शोर है। और वैली बहुत ओपन है, सामने पहाड़ों के पीछे स्कर्दू एयरपोर्ट है और इन पहाड़ों के पीछे कचोरा है, तो कचोरा इधर से चलते हैं ग्लाइड करके। ये लिफाफा अगर यहाँ तक आ सकता है तो यार यहाँ से ये वापस भी जा सकता है, खुदा का खौफ करें। अभी ये जगह नई है, अभी नए पॉइंट डिस्कवर होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एक बुरी बात ये भी है कि हम उसका सत्यानाश करना शुरू कर देते हैं। अब आप ये देखें कि पूरी एफर्ट के साथ लिफाफा फेंका गया है और सिगरेट के डब्बे हैं, लेज़ हैं और वो लिफाफे पड़े हुए हैं, वो देखें पीछे भी पड़े हुए हैं, कुछ शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहे,
तो जैसे मैं बात करता हूँ कि अम्ब्रेला वाटरफॉल एक डिस्कवर हुई 2-3 साल पहले, वहाँ पे लोगों ने जाना शुरू किया और अब वहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती, वहाँ पे इतना गंदा है। तो नए पॉइंट डिस्कवर करने का ये मतलब नहीं है कि हम नेचर को तबाह कर दें पकड़ के। अब क्या कह सकता है यार बंदा आपको, हम तकरीबन कोई 4 किलोमीटर का रास्ता था जब हम नीचे से चलना शुरू हुए हैं और तकरीबन कोई 40-45 मिनट लगे हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में। तो जो वैली साइड का व्यू था वो तो थोड़ा बेहतर था, बट अदर देन दैट रास्ता बड़ा मिट्टी और बहुत सारा गर्मी बहुत तेज़ थी, तो एक्साइटमेंट कोई थोड़ी सी मांद पड़ गई थी। लेकिन अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये चश्मा देख के थोड़ी सी तसल्ली भी हुई है और ठंड भी पड़ी है। अभी जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे कैंटीन मस्जिद है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी लोगों की है ना वो यहाँ पे लोकल है, मतलब स्कर्दू के खुद लोग जो हैं वो यहाँ पे पिकनिक करने आए हुए हैं। जैसे सीलिंग वैली में लोकल बहुत कम जाते हैं, वहाँ पे स्कर्दू के लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो माशाल्लाह ये छोटा सा चश्मा है, इसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, ऐसे मोटरसाइकिल आ गई है ना, ठहरो ज़रा ये भाई बंद करते हैं तो आपको चश्मे की आवाज़ भी आएगी। तो ये पीछे से ऐसे कर्व में 3-4 इसके कट हैं, मैं थोड़ा सा वॉक करके आगे गया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत है और ग्रीनरी ने इसको ना कवर किया हुआ है, तो बीच में से पानी गुजर रहा है। और जैसे हम बचपन में स्टोरियाँ सुनते थे ना किस तरह के चश्मे झरने पानी के बह रहे हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। यहाँ पे हमने 15 मिनट रेस्ट कर लिया और ज़रा चिल हो गए हैं, पानी बहुत ठंडा है, अपने पैर रखे हुए, बड़ी बात है, अभी भी सुकून आ रहा है। और खामोशी जो है यहाँ पे वो बड़ी नेचुरल है और वो उसका वो जो एक पीस है उसका वाकई बड़ा मज़ा आ रहा है। आज का दिन इस्तेमाल करेंगे सोक वैली की ठंडी शाम गुजार कर। अभी हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और अब्दुलरहमान ने ऐलान कर दिया है कि पकौड़े समोसे कोई नहीं खाने, तो मैं खुद भी यही चाह रहा था। हमने ले लिया है ऑल पर्पस का 1.5 लीटर का डब्बा और ये आप देख रहे हैं इतने खूबसूरत माशाल्लाह पिंक कलर के सेब हैं। अब इनके पकने में 10 दिन है, लेकिन मैंने वो बच्चे से बात की है, वो देखें ऊपर जा रहा है, तो हम सेब तोड़ते हैं। आ जाए ज़रा, अच्छा इनकी शेप थोड़ी डिफरेंट है आप देख रहे हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू यार। आया आपको दरख्त दिखा दो, दरख्त कितना ज़बरदस्त है, हवा बहुत तेज़ चलने लग गई है माशाल्लाह। सोक वैली की जो ब्यूटी है ना वो शाम में ज़्यादा मज़े की हो जाती है, इस वक्त ना धूप ऊपर चली गई है और इवन लाइट हो गई है। मेरी जो नज़र थी ना वो ऊपर वाले सेब थी, वो बहुत बड़े बड़े हैं और पिंक कलर के, इधर आए मैं आपको बैठे यहाँ पे। माशाल्लाह इससे ऑर्गेनिक और चीज़ क्या हो सकती है, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि भूख भी इतनी लगी है, वैसे तो खाते रहते हैं चीज़ें तोड़ के, लेकिन इस वक्त ये हमारा एक मिल्कशेक समझ लें, दूध पी के साथ सेब खाएंगे और फिर साथ ट्रैक करेंगे तो मिल्कशेक बन जाएगा। मौसम भी इतना इस टाइम सूदिंग है, शाम होने वाली है और मगरिब में तकरीबन 1 घंटा रह गया ऑलमोस्ट। ये देखिए जी हमने प्लेट बना लिया,
पाकिस्तान में टूरिज्म जो है वो माशाल्लाह बड़ा फ्लरिश कर रही है और कुछ चीज़ें बड़ी खुशाइंद भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। जैसे कि अब स्कर्दू में चार चार शहरों से फ़्लाइट्स आ रही हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा आना हुआ है। सरफरंगा डेजर्ट जहाँ पे कभी एक दो बंदे होते थे, अब वहाँ पे शाम को मेला लगा होता है, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर PIA को। जो पहले हमने टिकट करवाई थी वो थी हमारी 3 तारीख की लाहौर से स्कर्दू की, और 2 दिन पहले सिर्फ हमें एक मैसेज आया सिंपली कि आपकी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, और उसके 10 मिनट बाद एक अगला मैसेज आया मज़ीद हमें डिस्टर्ब करने के लिए कि आपकी फ़्लाइट 5 तारीख की हो गई है, विच मीन्स कि 5 तारीख की हमारी फ़्लाइट है जो कि लाहौर से स्कर्दू है, और फिर हमें 8 तारीख को वापस भी आना है, वो भी इस्लामाबाद। सो PIA के दफ्तर जाने पर जब हमने उनसे इस्तफसार किया कि भाई ये ऐसे क्यों है और आप इसको ठीक कर दें, तो दे सिंपली सेड के आप ऐसा करें, आप रिफ़ंड ले लें और रिफ़ंड भी आपको 1 महीने बाद मिलेगा, विच वॉज़ नॉट द केस। हमारी ज़रूरत नहीं थी ये। सो फिर चारों नचार क्या करते हैं, हम यही कर सकते थे कि चलें आप हमारी जाने की टिकट भी इस्लामाबाद से कर दें। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि इस्लामाबाद पे टिकट कन्वर्ट करने की ऑप्शन भी मैंने ख़ुद से उनको दी, उन्होंने मुझे ये ऑप्शन नहीं दी कि आप जो 5 तारीख की टिकट आपकी लाहौर की हो रही है आप टाइम वेस्ट ना करें, आप इस्लामाबाद से इसको ले लें, आप वापसी पे भी तो आ ही रहे हैं। सर्विसेज़ को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, खाली न्यू पॉइंट डिस्कवर कर लेना, उनको ख़राब कर देना एक मसला नहीं है, क्योंकि बाहर से लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल भी लेके जाता हूँ, फैमिली UK कैनेडा USA से बहुत ज़्यादा आती हैं, तो कुछ कमिटमेंट्स में भी ऊंच नीच हो जाती है, तो सर्विस लेवल बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है आगे चल के ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी, पहले से बेहतर हुई हैं, ये एक पॉजिटिव बात है, इम्प्रूवमेंट है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। ओके जी, ये जो चुंडा वैली जिसको हम रास्ते में कह रहे थे ये चूना वैली लग रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी एंडेड अप हैड अ वेरी गुड टाइम, लेकिन ऑल टुगेदर जो यहाँ का एक्सपीरियंस है, वाइड ओपन वैली है, ऊपर जाके चारों तरफ का व्यू बहुत सैनिक है और बड़ी अच्छी जगह है। हाँ, 2 व्यूज़ मिलते हैं बेसिकली आपको, एक जहाँ पे हम लेटे हुए थे कुछ हमने कैप्चर किया है, और मैं तो दूसरी साइड पे गया था जहाँ से इंडस रिवर नज़र आता है, और रास्ते में हमने एक जगह कवर की थी जो जहाँ पे हमने स्टे किया था, वो बेसिकली चुंदा विलेज है, ये थोड़ा सा ऊपर है, पिकनिक पॉइंट है, उससे कोई मेरा ख्याल 1 किलोमीटर आ गया है मज़ीद, तो 2 व्यूज़ आपको ये अच्छे देती है, आप स्कर्दू शहर से 1 घंटे में इसके टॉप तक पहुँच सकते हैं मैक्सिमम, और ये फैमिली स्पॉट है, बिल्कुल है, यहाँ पे कैंटीन भी है, मस्जिद भी है, वॉशरूम भी है, कैंटीन लेकिन आपको बंद ही मिलेगी। हाँ, जब जानेंगे तब आ जाएगा, तब मिलेगी। तो अब्दुलरहमान का तो आज पहला दिन है, तो आज इसको हमने चुंदा वैली दिखा दी है, ठीक है जी। तो आगे इंशाल्लाह स्कर्दू सीरीज़ में हम लोग साथ साथ हैं, इंशाल्लाह आगे खुमश आएगा, आगे इंशाल्लाह हम खुमश वाटरफॉल जानी है, क्योंकि अब्दुलरहमान जब भी कोई बात करता है ना कि मैंने वो देखा हुआ, मैंने वो देखा हुआ, मैं ऐसे चुप करा देता हूँ, हाँ यार तो खुमश देखिए, तो आगे से ये खामोश हो जाता है उसी आबशार की तरह। तो इंशाल्लाह स्कर्दू सीरीज़ हमारी जारी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आज के एपिसोड के बारे में हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कर्दू सीरीज़ के अगले वीलॉग में हम सफ़र करेंगे पाकिस्तान की ऊंची तरीन आबशार मनटोखा का, और अगर आप स्कर्दू का वो मुकाम देखना चाहते हैं जहां स्कर्दू के लोग खुद सैर के लिए जाते हैं तो यहां क्लिक करें, और अगर देखना चाहते हैं एक गुमनाम लेकिन नहायत खूबसूरत झील का सफ़र जिसे जिन्नात की झील भी कहा जाता है तो यहां क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।